हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ इज वेल्थ में। मैं आज फिर एक प्रोडक्ट लेकर उसका नाम है स्मूथ सिरप। तो दोस्तों, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो नीचे देखिएगा रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसे एक बार आप लोग क्लिक कर लेंगे ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और वहीं पर एक बेल आइकन आएगा, उसे भी आप लोग दबा लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा और सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। और दोस्तों, सब्सक्राइब तो जरूर ही कर ले, क्योंकि मेरा हर रोज एक नया वीडियो आता है जो कि हेल्थ से रिलेटेड रहता है, ठीक है। और बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरे अंत तक देखेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। स्मूथ सिरप यह दोस्तों एरिस्टो कंपनी का आता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका लोगो लगा हुआ है और इसकी एमआरपी है 108 रुपये, ठीक है, 108 रुपीज़ इसका एमआरपी है, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। और यह दोस्तों 170 ml के पैक में आता है। और इसकी कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो इसका कंपोजिशन दोस्तों होता है पाराफिन, मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पिकोसल्फेट। यह दोस्तों हम लोग को किन किन चीज़ों में यूज किया जाता है, यह दोस्तों अगर आपको पेट में बहुत ज़्यादा गैस बना हुआ है उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, या तो पेट फूल चुका है उसमें भी यूज कर सकते हैं। मल सूख रहा हो, मतलब आप मल जाते हैं तो अच्छे से साफ से नहीं हो पा रहा है, उसके दौरान भी आप इसे यूज कर सकते हैं। गले में जलन हो, या तो चेस्ट में जलन हो, ठीक है, या तो कलेजे में आपको जलन होता हो, ढकार ज़्यादा आता हो, उसके बाद दोस्तों आप पेट में गड़गड़ाहट हो, कब्ज हो, इस दौरान में आप इसे यूज कर सकते हैं। या तो कुछ आप खा चुके हैं मार्केट वगैरह से जिससे आपको बहुत ज़्यादा कब्ज वगैरह हो चुका है, उस दौरान भी आप इसे यूज कर सकते हैं, यह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। और इसके डोजेस की अगर हम लोग बात करें तो इसका डोजेस दोस्तों होता है 10 ml सुबह, 10 ml शाम ले सकते हैं खाना खाने के बाद, ठीक है। और इसके बारे में दोस्तों और कुछ अगर जानकारी चाहिए तो कुछ पूछना होगा, उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या तो किसी दूसरे मेडिसिन के बारे में पूछना होगा, उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर किन्हीं को एडवर्टाइजमेंट करवाना होगा, उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो दोस्तों कैसे लगे जरूर बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके, आपको जानकारी कैसी मिली है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।